हम लोग आएंगे, हमें कौन रोक सकता है बताइए? ये अधिकार भी छीनना चाहते हैं पत्रकार होकर, क्या बात कर रहे हैं? छवि अपनी खराब प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं ना बोलकर। अगर बोल देते तो महिला आज जो उठ जाती उनकी बात पर प्रोटेस्ट करने की जरूरत हमें पता क्यों पड़ गई? 3 महीने पहले सरकार के लोगों ने ठगने का काम किया। जो बात हकीकत होनी चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए थी, महिला पहलवानों की बात होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। महिलाएं लोकसभा के अंदर बैठी है, क्यों नहीं आ रही है? ये देश की बेटियों के लिए एक अल्फाज नहीं निकलता है। बात करते हैं सबका साथ सबका विकास और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले लोग, आज देश की बेटियां यहां बैठी हैं, उनको नजर नहीं आ रहा? देश में आग लगा कर रख दी इन सरकारों ने। क्या लग रहा है कि क्यों कौन बचा रहा? साफ मालूम है पॉस्को एक्ट है, नॉन बेलेबल वारंट है, उसके बावजूद भी अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई, तो आपको मालूम नहीं है किसकी सरकार है देश के अंदर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो बचाने का काम कर रही है। उसको लगातार आपको देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के दखलंदाज के बाद तो उसको FIR होने का काम किया है, उसके बावजूद भी अभी तक ना दिल्ली पुलिस ने कोई पूछताछ करी, ना कोई सरकार ने अभी अपना स्टैंड रखा है। खेल मंत्री ने 3 महीने पहले इनको बेवकूफ बनाने का काम किया था, उनको उनके साथ राजनीति करने का काम किया, झूठी एक रिपोर्ट बनाकर कहा हम उसके कार्रवाई करने का काम करेंगे, लेकिन नहीं, इन बेटियों को इंसाफ नहीं मिला अभी तक, इसलिए ये बेटी 17 दिन से आज देख लिए धरने पर बैठी हुई है, इंसाफ नहीं हो रहा है। अरे स्मृति ईरानी तो नहीं बोलेंगी, क्योंकि जब उनको अपना मुद्दा उठाना है, जब आपने देखा होगा वो सिलेंडर उठा के जब 10 रुपए 5 मिनट बढ़ जाते थे कांग्रेस की सरकार में तो रोडों पर नजर आ रही थी, आज इनको ये महिला नजर नहीं आ रही है। आज उनको शर्म आनी चाहिए, अपने मंत्री पद पर फेंक देना चाहिए। ऐसी को जो महिलाएं लोकसभा के अंदर बैठी है, क्यों नहीं आ रही है? क्यों इनका सम्मान नहीं कर रही है? जब वो मेडल लाती है उनके साथ तो फोटो खिंचाती है और ट्वीट कर देती है कि हमारी देश का सम्मान बढ़ा। अरे जो देश का सम्मान बढ़ाने वाली महिलाएं जो पहलवान है आज वो यहाँ पर बैठी है, उनके इंसाफ के लिए आवाज उठाने नहीं आ रही, तो ये शर्म की बात है, बिल्कुल शर्म की बात है। इसमें अरे भारतीय जनता पार्टी जाटों में बांटने का काम करती है, हिंदू मुसलमान में बांटने का काम करती है, मंदिर मस्जिद में बांटने का काम करती है, और ये लगातार यही नफरत की राजनीति करके देश में आग लगाने का काम किया है। आज इन लोगों ने जो बात हकीकत होनी चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए थी, महिला पहलवानों की बात होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, आज क्या बात हो रही है? 80-20 की लगातार बात कर रहे हैं, नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, बजरंग बली की बात। अरे जो वाकई में बजरंग बली के भक्त हैं उनकी बात क्यों नहीं करते? अब वहां पर इलेक्शन में कह रहे हैं बटन दबाइए बजरंग दली करके, अरे ये तो देश के प्रधानमंत्री के लफ्ज हैं, आप देख लीजिए। ये कभी भी राजनीति देश में बीजेपी कर रही है, राजनीति तो उनका काम है, हमारा काम नहीं है। हम लोग सामाजिक लोग हैं, एडवोकेट लोग हैं, हम इंसाफ की लड़ाई हमेशा हमने लड़ी है, जहाँ जहाँ ना इंसाफ हुई है वहाँ वहाँ हम लोग खड़े हुए हैं। धरने को हाईजैक कर लिया, क्या कहेंगे? आंदोलन जीवी कोई नहीं है, ये आंदोलन जीवी नहीं है, ये वो लोग हैं जो हक की आवाज के लिए बैठे हैं, जो इंसाफ की मांग के लिए बैठे हैं, उनको आंदोलन जीवी कहेंगे, उनको आंदोलन जीवी कहेंगे। लगातार यही काम करते हैं, जो इंसाफ की आवाज उठा ले, जो हक की आवाज उठा ले, उनको आंदोलन जीवी कहते हैं, उनको देशद्रोही कहते हैं, और शाहीनबाग के आंदोलन से जो लोग महिला निकली थी उनको भी देशद्रोह कह दिया। अरे यही काम है इस सरकार का बांटने का, कि अगर वहां किसी ने जामिया में आवाज उठाती तो उनके साथ भी किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने लाठी बजाने का काम किया था। इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ने की बात करी थी, इंसाफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, CNRC का प्रोटेस्ट जो था, लट बजाएंगे आप लोग तो वही तो ऐसे ही तो लोग भेजते हैं जो प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए यहाँ पर लट बजाने की बात करें। अरे देश संविधान से चलता है, लेकिन संविधान का गला घूटने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, रूल ऑफ लॉ की हत्या कर दी है, कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास नहीं है इन लोगों को, लगातार यही बात करके देश के कानून की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ के सियासत नहीं कर रहे ना? हम सियासत नहीं कर रहे, हमारा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हम जहाँ जहाँ ना इंसाफी होती है वहाँ होती है देश की। ये कोई ना आम पब्लिक नहीं, हम तुम नहीं है, हम तुम हो गए तो बाबला दब जाएगा। ये देश के लिए गोल्ड मेडल लाने वाली ओलंपिक महिलाएं वो लोग यहाँ पर धरने पर बैठी हुई हैं, जिन्होंने वर्ल्ड लेवल की चैंपियंस हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके लिए आवाज उठा नहीं सकते, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ फोटो जीवी है, देश के प्रधानमंत्री, फोटो खिंचवाना होगा, वीडियो बनवाना होगा तो सबसे आगे इनको रखेंगे। प्रधानमंत्री का हम सम्मान करते हैं, छवि अपनी खराब प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं ना बोलकर। अगर बोल देते तो महिला आज जो उठ जाती उनकी बात, अरे तो वही तो सियासत है फिल्म देखने का। जो ये बेटी रो रही है, इनके आंसू नहीं देखे गए उस मूवी में? झूठी मूवी के अंदर जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है उसमें कह रहे हैं कि बेटियां रो रही है, ये बेटी नहीं दिख रही है, ये देश की बेटी नहीं है, देश का सम्मान नहीं है। भूषण जी कह रहे हैं कि पहलवानों को हौसला बढ़ाने के लिए हम, कोई ऐसा पहलवान नहीं जिसे डॉलर नहीं दिया है उन्होंने। देखिए सम्मान ये कोई अपने घर से नहीं दे रहे हैं, सरकार देती है, ये अगर दिया है वो तो आरोप लगा रहे हैं लगातार, उनको कह रहे हैं ये गलत बैठी हुई है, क्या उनकी बात पे हम यकीन कर लें?
अगर वो बार बार उनका इनके खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये वो हुआ, इतने इस तरीके से शीलाजीत खाता था, मैं ये करता था, ऐसे कौन बोलता है बताइए? इतने बड़े पद पर बैठकर इतनी छोटी बात करने का काम कर रहे हैं ब्रजभूषण जी। हजार रेप के बॉस को एक्ट वो होते हैं जिसमें नॉन अवेलेबल होता है, अरेस्ट होना चाहिए, तब तक दिल्ली पुलिस पूछताछ नहीं कर रही है। ये सवाल खड़ा होता है सरकार पे भी और कानून व्यवस्था पे भी सवाल खड़ा होता है, दिल्ली पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए। भाई साहब सुनिए, देश को सरकार ने कानून से चलना चाहिए, कानून की बात कर रहे हैं, मुझसे पूछ के नहीं। अगर वाकई में आम आदमी होते, आप जैसे ऊपर आरोप होता ना, आप पत्रकार हैं, आप जेल में होते, अब वो बीजेपी से इसलिए बाहर है, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले, पुलिस रिश्तेदार नहीं है, तुम्हारी रिश्तेदार लग जाती क्या पुलिस? अगर आपके ऊपर ऐसा आरोप होता तो आपको अभी तक अंदर होते, लेकिन अब पुलिस रिश्तेदार नहीं, पुलिस के ऊपर दबाव है। अगर वो इतने बड़े पद पे नहीं होता, सबको पता है सरकार का दबाव है, दबाव नहीं होता तो अभी तक अंदर होता हो। बचाना चाह रही है ब्रजभूषण की सरकार, ये बताइए। वो तो आपको मालूम है ना, क्यों बचाना चाह रही है? इसलिए बताना चाह रही है, राजी जी कर रही है, आपको मालूम है कर्नाटक के अंदर इलेक्शन है और फिर 2024 के अंदर फिर इलेक्शन आने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको वोटों की राजनीति करनी है भाई साहब, वोटों की राजनीति करनी है। अगर हम नहीं, हम क्या कर रहे हैं? हम हक की समर्थन देने आए, हमारे लोग आए, हमारे साथ में सब लोग आते हैं हमेशा के साथ, सामाजिक कार्यकर्ता है, एडवोकेट की टीम भी हमेशा, दिल्ली बार एसोसिएशन के लोग भी आए हमारे बीच में, मोहित माथुर सर आए, हमारी पूरी लीगल टीम आई, हम लोग आएंगे, हमें कौन रोक सकता है बताइए? ये अधिकार भी छीनना चाहते हैं आप पत्रकार होकर, क्या बात कर रहे हैं? यहाँ से हमें निकालना चाहते हैं, निकाल दीजिए। अरे आप भैया, आपको आवाज उठानी चाहिए इनके फेवर में, और आप बात करें, आप क्यों आए, क्या पत्रकार हैं यार आप, सत्ता की दलाली करने का काम कर रहे हैं आप? आपको लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा? देखिए इंसाफ, हम लोग हमेशा इंसाफ की मांग करते हैं, अगर ये सरकार इस तरीके का व्यवहार करती रही तो हमें नहीं लगता इंसाफ करने। फिर हम लोग, हमारे किसान भाई आए थे, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, केजरीवाल हो, कोई सी भी पार्टी से ताल्लुक रखने, अगर वो आए थे समर्थन करने आए थे, अगर इसको सियासत कहते तो मान लीजिए, हाँ सियासत करने आए थे, इन बेटियों के साथ खड़े हुए, इन बेटियों के साथ खड़े होने वालों को सियासत कहेंगे तो हाँ हम सियासत कर रहे हैं, बोलिए हम सियासत करने का काम करें, खुले हम बोल रहे हैं हम सियासत कर रहे हैं, क्या गलत है? अगर हम इन बेटियों के समर्थन में आ गए तो हम सियासत की बात, हाँ सियासत कर रहे हैं। शाहीन बाग वाले क्या इंसान नहीं है, जानवर है क्या? अगर यहाँ शाहीन बाग में जो आंदोलन कर रहे थे यहाँ करने आगे तो क्या गलत कर दिया बताइए आप मुझे, इस पर जवाब दीजिए, क्या बात कर रहे हैं आप? कोई भी आ सकता है यहाँ पर, बीजेपी वाले भी आए, इनके सपोर्ट में आए ना, लेकिन नहीं आएंगे क्योंकि उनका एमपी फंसा हुआ है, उनका खाट खड़ी कर देंगे सबको। अरे कोई आके तो दिखाए, खाट खड़ी उल्टी उनकी हो जाएगी, क्योंकि ये किसान की बेटियां हैं, इस धरती से निकलने वाले पहलवान हैं, ये कोई आम आग निकली है, उल्टा पटक के मार देंगे ऐसे लोगों को, समझ लेना, ये हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है, चलता रहेगा, और रोक लीजिए जिसमें रोकने दम, आप जैसे पत्रकारों में दलाली करना बंद कर दिया, इंसाफ की बात करिए, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो इंसाफ की बात करने का, आपको हम दलाली नहीं करते, आप जैसे लोग कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक वो नहीं है कि इंसाफ की मांग करने के लिए, हम अगर हमारे आगे तो हमें भगाने की बात कर रहे हैं आपके, यहाँ से जाइए, हमारा अधिकार है, हम भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हमको इजाजत देता है कि हम यहाँ पर आए आंदोलन करें, आंदोलन अगर बेटियां कर रही है तो भारत के संविधान में इजाजत नहीं है, आपको आर्टिकल 19 का नहीं पता क्या? हम यह भारत के संविधान की इजाजत से, हम यह फंडामेंटल राइट है हमारा कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पर प्रोटेस्ट करने की जरूरत हमें पता क्यों पड़ गई? 3 महीने पहले सरकार के लोगों ने ठगने का काम किया, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनको बुलाकर झूठा आश्वासन दिया, उनके साथ राजनीति खेलने का काम किया, इसलिए इनको दोबारा आना पड़ा। अगर पहले ही कार्रवाई हो जाती, अरेस्टिंग हो जाती तो ये पहलवानों को कोई मजा नहीं आ रहा, यहाँ बैठकर रातों को लाइट काट दी जाती है, कभी इनके साथ पुलिस बर्बरता करने का काम करती है, इनको कोई पड़ी नहीं है यहाँ पर आकर राजनीति करे तो वो तो कहेंगे ना, जब उनके देखिए, जब इंसाफ की बात करने वाले लोग हैं, अगर ना इंसाफी होगी तो कहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा ताकतवर बाहुबली सांसद है, इसलिए वो कह रहे हैं बार बार ये बात करने का काम कर रहे हैं।